क्या कर रहे हो सुधांशु भाई? इसको रिलीज कर रहे हैं आज। स्टार को? हाँ जी। ये कितने प्यार से पहन रही पहन रही बोलो, ये कितने टाइम से है हमारे पास? अरे यार लगभग 2 महीने तो हो ही गए हैं। इसको पाइप ट्रैप था, उसके बाद इसका स्प्रे किया। ये जो मस्त कराती है ना अपना ट्रीटमेंट, कोई दिक्कत नहीं, कोई हिचकिच नहीं, कोई चेचे नहीं, कोई रहना नहीं है। बिल्कुल मेरे ऊपर गई है ना। हमें वही बोलने वाला था, अगले बिल्कुल आपकी तरह है, आपके अपोजिट है मतलब। चलो ये पट्टा किसके लिए बनाया आपने? सुशील के लिए। जा रहा है सुशील आज? हाँ जी, फूक में मैगडू घूमता। अच्छा, काफी ठीक हो गया? तो पूरी ठीक हो गई। कितने टाइम रहा है हमारे पास? 25 दिन। सर सुशील नाम है उसका, आप ऐसे किसी जानवर का नाम नहीं बिगाड़ सकते। मैं किसी का नाम बिगाड़ा भी नहीं। सुशीला बोला आपने? वो तो प्यार है ना मेरा। देखा इतना जोर होना चाहिए चाचा जितना, इतने विशाल काय बैल को एक ही हाथ से उन्होंने धकेल दिया। कना नंद मा धक्का मार। दिनेश भाई इतना छोटा सा गधा नहीं पकड़ा जा रहा आपसे? पकड़ो, मैं कैमरा पकड़ता हूँ। नहीं नहीं आप पकड़ो, वो तो अंधा भी है। देखो मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ, आप पकड़ो। देखो देखो देखो, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लो दिनेश भाई। देखो दिनेश भाई कितना आसान था। ठीक है सर, मैंने देख लिया, कल से मैं भी ऐसे ही कर दूंगा। ओके दवाई नहीं खाता है। मीठे मीठे में ज्यादा पसंद करता है, मीठा इसको स्किन की वजह से देते नहीं है ना। तो डॉग्स को मीठा देने से तुम आ जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। डॉग को मीठा देने से उनका इम्यून सिस्टम जो है वो हो जाता है डिप्रेस, यानी कि कमज़ोर, और उनको जो स्किन डिजीजेस के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए डॉग्स को पार्ले जी बिस्किट नहीं देने चाहिए। आपको मजबूरी में बिस्किट देने पड़ रहे हैं तो आप उनको मैरी बिस्किट दे सकते हैं, रस दे सकते हैं, या अपना जो मट्ठियाँ होती हैं फीकी वो दे सकते हैं। पिछली बार ठीक हो गया था? हाँ, बढ़िया ठीक हो गया था। बढ़िया हो गया था, पर ये कि अभी इधर उधर घूमता है ना तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ये तो काफी स्किन के अंदर इसकी खराब हो और वही 5-6 दिन में ही है ये भोंकता नहीं है। फिर मेरे पास आ गई, 1 साल मेरे साथ मंदिर जाता था तो वहाँ से बोलना भी शुरू हो गया बेचारा। काफ रहा है बहुत जी, इसकी वही पुरानी हालत रिपीट हो गई। रिलैप्स तो हुआ है, पर पहले इसको इस एरिया में था, अब इसको पूरी नीचे वाली सारी बॉडी में हुआ है, लेग्स में ना। स्किन कंडीशन वाले जो डॉग्स हैं जब ठीक होकर वापस सड़क पर जाते हैं तब भी इनका इम्यून सिस्टम तो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, तो तभी ये इशू इन्हें दोबारा होता रहता है। तो बेस्ट तो यही है कि भाई ये डॉग्स को अडॉप्ट कर ले, अडॉप्ट नहीं कर सकता तो इनको स्ट्रे पेट बना ले ताकि वो इसको बारी बारी दवाई देते रह सकें। ब्रेन के केस में हमें ये भी खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो इसे कैंसर हो, जो कि हमें बायोप्सी से पता लगेगा। खड्डे में डॉग गिर गया। ये कौन सा वाला डॉग है संजय भैया? कोई लोग ने इसको ट्रीटमेंट के लिए लाए थे, पार्बो है इसको, कि क्या है उनको बोला था घर पे रखो। अच्छा, और वो लोग ने यहाँ हॉस्पिटल के गेट पे छोड़ गए इसको। 2-3 दिन से जो हमने वो रूम में रखा हुआ है तो ये ब्लाइंड भी है। ये जो हम वो उसके पूप के लिए बना रहे, डॉग पूप के लिए खड्डा बना रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, ये फ्रेंडली है, उठा ले। हाँ लगी होगी इतने ऊपर से। बच्चे पैदा करा के बेचते रहते हैं, फिर जब डॉग थोड़ी बूढ़ी हो जाती है तो वो एक यंगर डॉग से वही साइकिल दोबारा शुरू कराते हैं। तो ये पहले भी यही रहती थी संजय भैया इसी कमरे में? यहाँ पे ट्रीटमेंट यही तो कर रहे हैं इसका के। अच्छा अच्छा, जो नेक्स्ट सेगमेंट में इन शरारती तत्वों ने किया है मुझे नहीं पता, आपको वो देख के हंसी आएगी या गुस्सा आएगा, तो आप वीडियो पहले ही लाइक कर दो। आज 1 अप्रैल है। हाँ। क्या प्लान है आज का? अप्रैल फूल। किसका? मैंने बता दिया तो फिर पता नहीं लगेगा सबको। सुन, हम ना तेरे कमरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। किस लिए? हम वहाँ पे कुछ छुपाना चाहते हैं। जैसे कि जानवर। और वहाँ पे उत्पात मनाएगा तो खराब कमरा और खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ऐसे कौन जानवर है? चुछु। चु धीरे धीरे धीरे, अरे केज में रहेगा। केज में रहेगा तो चोरी। हाँ नहीं, मैं शूट के लिए पूछने आया था डॉक्टर निशा कि इसका है शूट करने के लिए। कोई नहीं देखेगा,
हाय ज्योति यार, आप नाराज हो गए मेरे से। और ये हमारे चुचू का घर। अभी नेक्स्ट रहेगा चुचू को नेहा दीदी के कमरे में छोड़ना, उसके बाद मैं जाऊंगा एनिमल एरिया। अभी तुरंत या फिर बाद में? नहीं, पहले ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे आगे की रणनीति तय करते हैं। चुचू बस हम 15 मिनट की बात है, 15 मिनट तक वो वापस छोड़ देंगे ना। गेम स्टार्ट हो चुका है, हमने चुचू गायब कर दिया, हमने पहले तेजरा चुराया, फिर चुचू चुराया, अब हम ज्योति का चैन चुराएंगे। ज्योति चुचू कहाँ पर है? दिनेश चुचू को ले आना ना। भाई चुचू तो है नहीं यार यहाँ। फिर कहाँ गए चुचू? पता नहीं मेरे को, कल खाना साहिल ने डालता ना उसको। चुचू कहाँ गया? क्या रहा है, क्या रहा है, किसे पूछते क्या सीन है? तो चुचू गायब है। कौन चुचू है? अच्छा चुचू है तो मारता नहीं रहता सबको। साहिल शाम को खाना डाला था ना मुर्गों को, चुचू था, मैंने देखा नहीं था। ठीक है काम करो अपना। कहाँ है नहीं क्या? अच्छा वो चला गया। मतलब ट्रीटमेंट टाइम पे मैं देखो मैं सब समझती हूँ। आई कैन लाइक आई एम रेडी टू सपोर्ट, लेकिन ट्रीटमेंट टाइम पे क्या मैं समझ नहीं क्या हुआ भाई। मैं खेल ही नहीं रहा भाई, भाई मैं खेल ही नहीं रहा भाई। चीटिंग होती है यार। विक्की भाई 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं यार ये चीज की। वाह हमारे क्रिएटिव भाई साहब, क्या कहना चाहो, कैसे हैं पता लग गया? हां हमने सब सुन ली। तुमने सब सुन ली? विक्की भाई का 2 तमाचे रैप के क्या हुआ? हमारे जितना स्मार्ट समझते थे ना वो से 5 गुना ज्यादा निकले। मैं आज आया राधा दीदी ज्योति से मजाक करने, आज पर 1 तारीख है ना। अच्छा फिर वो बुरा मान गई, मैं सैड हो गया दीदी सुबह से ना अब तक। शक्ल से तो लग नहीं रहा है कि तुम सैड हो। मैं इसलिए उदास हो गया कि प्रैंक फेल हो गया। शट अप, तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है कि प्रैंक फेल हो गया? ज्योति हां जी सॉरी सुबह के लिए। नहीं नहीं मुझे, तुम मेरा पार्ट भी समझ रहे हो ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ, फुल समझ रहा था। मतलब ठीक है आपकी टेंशन थी उस टाइम पे। होता क्या, देखो बारिश हो रही है, हमें काम कंप्लीट समय पे करना होता है ताकि समय पे खाना मिल जाए एनिमल्स को, और इसलिए मैंने बोला कि तुम सुबह का टाइम क्यों मिला तुमको, तुम सेकंड हाफ कर लेते क्योंकि अगर तुम यहाँ से भी उठा लेते ना अचानक चूचू गायब हो गया तो थोड़ा सा शॉकिंग रहता, मेरे को लगता वो बिल्ली ले गई, वो ये हो गया, ऐसा होता है ना, तुम्हारे प्लान ही गलत है। जस्ट 2 मिनट्स लीरॉय बॉय, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? लूट दे रहे हैं लीरॉय को। क्या नाम रखा इसका? लीरॉय। दवाई का नाम पे क्यों रख रहे हो कुत्ता का नाम आजकल? लीमॉइल नहीं बोला मैंने। क्या बोला? लीरॉय लीरॉय लीरॉय। हाँ ये जो कैमरा से घुसाता है ना ये, अब आप भी तो सुई घुसाते हो ना। तो मैं किसी को बीच में लाता हूँ ना, तुम मेरे कुत्ते के बीच में आ रहे हो उस वक्त। ठीक तो हो जाएगा ना, इसका पैर भी अच्छा हील हो रहा है मैंने सुना। पैर अच्छा हील हो रहा है, पर किडनी इशू है, बूढ़ा है, दांत सड़े हुए हैं, तो किडनी इशू को थोड़ा फ्लरिश नहीं किया तो चांसेस है कि ये रिकवर कर जाएगा, पर मुझे जहाँ तक है कि ये किडनी इशूज का फ्लरिश करेंगे क्योंकि ये दांत खराब हैं, बूढ़ा है, तो उस वजह से थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इसको रिवाइव करना किडनी को। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट तो अब इसको डिहाइड्रेटेड है, इसको इसलिए हम फ्लूइड डिहाइड्रेटेड है, फ्लूइड थेरेपी दे रहे हैं। पेट को आप लेके आए थे ना? हां जी लेके जाने के बाद आप ही ध्यान रखने वाले क्या? तो उसकी जो इंजरी हुई थी फ्रंट लेग की, वो इतनी ज्यादा सीवियर थी जिसकी वजह से उसका जो पैर है वो जब वो चलता है तो वो ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे चलता है। ये यहाँ पे भी थोड़ा सा टेढ़ा हिस्सा, ये ऐसे है ना, ऐसे जुड़ गया है ना, तो धीरे धीरे करके हमें ऐसे स्ट्रेंथनिंग देनी है इसको, लेकर मैं इसको इसके और हल्की हल्की मसाज के साथ, क्योंकि पीछे भी था ना जख्म काफी बड़ा, वो ठीक हो गई है, इसमें है थोड़ी सी। अब इस पपी को हमने पट्टा इसलिए पहनाया क्योंकि जो इसके रेस्क्यूअर हैं वो इसको घर में ही रखेंगे या कम से कम इस पे नज़र रखेंगे, तो अगर पपी बड़ी होती है तो वो पट्टा हटा सकते हैं और एक बड़ा पट्टा पहना सकते हैं। अच्छी लग रही कॉलर, किच पे अच्छी लग रही कॉलर, किच पे अच्छी लग रही है। बाय। किस टाइप की स्प्रे है ये? अपनी बनाई है ना ये। कैसे बनती है ये? बनाई है 50 ग्राम बेसन, 50 ग्राम बेसन और 100 ग्राम गुड़ लिया था। हाँ। उसको उबाला था, उसके बाद इसको फिर ठंडा करके ड्रम में डाला था। अच्छा, और इसमें 4 कैप्सूल डाले थे। विकू भैया जिन कैप्सूल्स की बात कर रहे हैं वो ये इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैप्सूल्स हैं जो भारत सरकार की रिसर्च द्वारा डेवलप किए गए हैं, हमें तो किसी ने डोनेट किए थे। तो जिस तरह हम अपनी गट हेल्थ के लिए कम्बुचा लेते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं, तो सॉइल हेल्थ के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जरूरी हैं। सर शिकार पे जा रहे हैं क्या? नहीं यार, पीस लविंग आदमी। तो ये उन्होंने डोनेट करी है विजय जी ने आपकी बार।
लेजर का जब विजय जी आएंगे तब लगेगी, या जो दूसरी जो लेजर है मेरे को दे दो, यहाँ पे हम सुपर विज से चिपका देते हैं उसको। इससे हमारे को बहुत आसानी हुई है। अच्छा है विजय जी की ये जो इनोवेशन है ना, कि भाई एक तो ये प्रेशराइज्ड डिलीवरी सिस्टम है, ये गन नहीं है, तो इसके लिए कोई ऐसा लाइसेंस नहीं चाहिए, और हमारे को जो खतरनाक खतरनाक बैल पकड़ने होते हैं वो पकड़े जाते हैं। एक ये और एक हमारी जो लिफ्ट हमने लगवाई है, इससे काम थोड़ा सिस्टमेटिक हुआ है। मैं उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसा कर लें कि यहाँ किसी को सिखा दें, हम ये बना के फिर जो और रेस्क्यूज हैं उन्हें दे पाएँ। अब जैसे हमारे को कहाँ कहाँ से फ़ोन आता है, वो हरियाणा से फ़ोन आएगा, पंजाब से फ़ोन आएगा, यहाँ आ जाओ कैसे करें, पर एटलीस्ट अब हमारे पास एक बैकअप है। तुम्हें क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो वाली बात तो मैं सोचने लगी कि देने के लिए बहुत वो चाहिए इसके लिए, मतलब हाँ भरोसा मुझे लगता है। हाँ पता चले लोग शादियों पे जुड़ा। नहीं वो बात नहीं है, पता नहीं, लेकिन एनिमल को हार्म ना हो जाना, दूल्हा भी हो जाए आई थिंक। हाँ पर मतलब दोनों ही साइड्स हैं, मतलब एक इंजर्ड है जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे, एक अग्रेसिव है जैसे आप पकड़ नहीं पा रहे, वो किसी और को मार रहा है। अब जैसे यहाँ पे कई बैल नहीं होते, वो धक्का मार देते हैं दूसरे बैलों को, और फिर हाँ इंसान तो खतरनाक। ठीक है तो ये लेज़र तू लेके आ जा और उनसे बात कर ले। दादा ऐसे लग रहा है आपके अटायर से कि ये गन आपको पकड़ी होनी चाहिए। शूटर दादी पकड़ो पकड़ लो, चंबल से आई। हाँ ऐसे में ही होता दादा। दो तीन अपडेट है मेरे को, फिर दिन में टाइम नहीं मिलेगा। विक्की को बता सकते हैं? नहीं सॉरी विक्की। कल मैंने एक वीडियो बनाया है जिससे कुछ जैन लोग नाराज़ हैं। मैंने कहा कि देखिए जैन लोग जो हैं अहिंसा के सिद्धांत में तो विश्वास रखते हैं, पर जब वो दूध पीते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि दूध के पीछे कितनी हिंसा होती है, क्योंकि बूढ़ी गाय को, बछड़ों को सड़क पे छोड़ दिया जाता है, भैंसों को काट दिया जाता है, तो ही तो इंडिया बीफ का टॉप का एक्सपोर्टर है। तो कमेंट्स में लोग मेरी बात से अग्री भी कर रहे थे, पर ये भी कह रहे थे कि देखिए जैन लोग जो हैं भारत में सबसे ज़्यादा गौसदन चलाते हैं। देखिए वो चलाते हैं, और गौसदन चलाना बहुत अच्छी बात है, पर एक अच्छी बात करना और एक बुरी बात ना करना दो अलग बातें हैं। अभी आने ने बताया वैसे तो संडे है, कोई विजिटर्स नहीं आते, तो कोई राजस्थान से रेस्क्यूअर्स ये हमारी अपनी बनाई हुई वो है। अच्छा जिंजर एल कैमरे। आपको आपका नंबर मैंने ना उनको फॉरवर्ड कर दिया। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चलाता हूँ राजस्थान में। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन क्या होता है? कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बेसिकली होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है आप खोल लीजिए, उसने जैसे कमर्शियल स्टेशन जो होते हैं माई एफएम एंड ये सारे स्टेशन हम जो सुनते हैं दिल्ली एंड सिटीज़ में, तो जो रूरल एरियाज हैं उनकी मासेस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए रेडियो स्टेशन देती है एनजीओस को और यूनिवर्सिटीज। अच्छा, को सबको एफएम पे ही एफएम वो सेम आपको फ्रीक्वेंसी अलॉट होगी, वैसे आप गाने चलाओ, कम्युनिटी को एंटरटेन करो, और आपका जो भी कॉज है जिस भी कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं उस कॉज को आप कम्युनिटी तक ले जा सकते हैं, फैला सकते हैं। हमारा एक एनजीओ है जो हम सब सारे फ्रेंड्स मिलकर चला रहे हैं, उसका नाम है जीव आश्रय सेवा समिति। स्ट्रीट्स पे जो हमें एनिमल्स मिलते हैं उनको ट्रीट करते हैं वहाँ जाके, सड़क पे ही, सड़क पे ट्रीट ऑन स्ट्रीट हो गया, ट्रीट ऑन स्ट्रीट हो गया। और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमें एक लैंड मिल जाए सरकार से मिल जाए, या फिर हमारे कुछ लोग हैं जो डोनेशन के थ्रू या किसी और तरीके से दे दें। ये यदि ये दोनों भी स्थितियाँ नहीं होती है थर्ड हम फिर अपने पैसों से ले लेंगे। तो आपका देखो आपका ट्रैक तो सही पकड़ा ना आपने, स्टार्ट हमने भी ट्रीट ऑन स्ट्रीट से ही किया था, सेकंड हमने जो चीज़ शुरू करी थी वो रिकवरी सेंटर शुरू किया था, कि भाई क्योंकि कई जानवर हैं उनका सड़क पर इलाज इसलिए नहीं कर सकते उसकी हड्डी टूटी हुई, हड्डी टूटी हुई, या फिर वो आपको ज़रूरी नहीं कि सड़क पर मिले दोबारा, तो फिर आपको चाहिए एक रिकवरी सेंटर, एक जगह जहाँ पर आप ले आके उसे बांध तो सको कम से कम। तो हमने कुत्तों के कैनल बना रखे हैं, गाय के लिए घराड़ काव शेड बना रखा है। थर्ड होगा आपका जो स्टेप जब आप ये एक बारी कंप्लीट कर लेते हो, अपना क्लिनिक जिसमें आप अपना डॉक्टर रख सको, नहीं तो तब तक तो आपको फिर सरकारी डॉक्टर या बाकी डॉक्टरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, वो थोड़ा महंगा भी हो जाता है, फिर ज़रूरी नहीं कि अवेलेबल हों वो। अभी हमारे पास में क्योंकि नाम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं ना, लोगों से पैसा ले रहे हैं हम अपने ही सब लोग मिलके, सेविंग्स और जो चीज़ें उसी से हम ये सारा काम करते हैं। मैं फिर भी कहूँगा थोड़ा सोशल मीडिया पर आप डालो, दो चीज़ें हैं, एक तो हो सकता है कि आज आप अपनी जेब से कर पा रहे हो, कल को आपका काम बढ़ता है, आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो सोशल मीडिया पे एक रहेगा तो कनेक्शन थोड़े आपके बनेंगे, लोगों का आप पे विश्वास होगा। लोग पैसा देना चाहते हैं ऐसा नहीं है, पर लोगों को विश्वास नहीं है इंडिया में ना एनजीओ पे कि भी ठगी हो रही है या काम हो रहा है। दूसरा ये कि आपसे लोग थोड़ा इंस्पायर होंगे, जैसे आप लोग ही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंस्पायर हो गया, हम आएगी
तो आपने क्या है कि उसको बहुत एक प्रोफेशनल एंड प्योर एक प्रॉपरली उस वे में किया है, तो हम भी यही देखना चाह रहे थे कि हम शुरू करें तो किस तरीके से चीज़ों को प्लान किया जाए, एक बार विजिट करने से थोड़ा विजुलाइज हो जाती है। तो बेटर देन दैट, ये तो हमने वो किया था ना जब हमें कुछ भी नहीं पता था, हमने बस शुरू कर दिया था। अब जो हम नया अस्पताल बना रहे हैं थोड़ी दूर यहाँ से 1.5 किलोमीटर जी, वहाँ पे जो हम काव शेड बना रहे हैं ना, वो हमने थोड़ा सोच के बनाया है, तो मैं आपको वहां ले जाता हूं। जी आज सीकर राजस्थान से कुलदीप जी और उनकी टीम मुझसे मिलने आई है, उन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई कि भाई मेरा तो संडे बन गया। हमारे सीकर राजस्थान में क्रिमिनल है, वो भी गायों की अच्छी सेवा करते हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि आप गायों के साथ साथ आप अन्य जीवों की भी सेवा करें। दूसरी चीज़ ये है कि एक ट्रेंड जो है वो बनना चाहिए, बर्थडे हो चाहे एनिवर्सरी हो, आप उन बेजुबान लोगों के ऊपर वो जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं इधर उधर उन पे खर्च कीजिए, ताकि वो बेजुबान पशु पक्षी जो भी हैं वो अपना बाकी का जीवन अच्छे से बिता सकें। जय श्री राम, करो सेवा पाओ मेवा, धन्यवाद। अरे जय बात।